हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे कुकिंग व्लॉग में स्वागत है। कुकिंग विद सनीज किचन में आज हम लोग ऐसा नाश्ता बना रहे हैं जो हाई प्रोटीन है, प्रोटीन से भरा हुआ है, हेल्दी भी है, स्वाद से भी भरा है। अगर किसी को मिल जाए तो एक की जगह दो खा ले, इतना ज़्यादा स्वाद है। और ये रेसिपी, ये नाश्ता हम लोग बनाएंगे मूंग दाल से, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज है। शायद आप इसे जानते होंगे, अगर जानते हैं तो क्या है इस रेसिपी का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। इस रेसिपी को देखने के लिए लास्ट तक मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना के तैयार करेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों, ये जो नाश्ता है बहुत ही ज्यादा लजीज बनता है और हेल्दी भी है। अगर आप डाइट भी कर रहे हैं तो इस रेसिपी को, ये नाश्ता बना के आप खा सकते हैं। तो मेरे वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए और चलिए बनाते हैं इस नाश्ता को। क्या है इसका नाम आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कप मूंग दाल को दो घंटे, कम से कम दो घंटे के लिए इसे भिगो के रख देना है। तो देखिए, हमने मूंग दाल को पहले ही भिगोने के लिए रख दिया। अच्छे से वॉश करके मिक्सी ग्राइंडर में इसे डाल लेंगे। आप अच्छे से डालिएगा, मेरे से गिर जा रहा है। इसमें डाल लेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। एक कप पानी लिया है मैंने, इसे आधा कप अभी डाल रही हूँ, आधा कप इसे बीच में डाल के टोटल एक कप पानी का यूज करेंगे हम लोग। इसका कंसिस्टेंसी जो है कैसा चाहिए मैं आगे आपको बताऊंगी। परफेक्ट पीस के ग्राइंड होके ये तैयार हो चुका है हम लोग का। आप चाहे तो पीसते समय, ग्राइंड करते समय इसमें जिंजर का उपयोग कर सकते हैं। मैं जिंजर नहीं यूज करती, इसलिए मैं जिंजर नहीं डाल रही हूँ, अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है अदरक तो आप डालिए। साथ ही मैं, अब देखिए हम लोग का जब बैटर का कंसिस्टेंसी है जब परफेक्ट है, बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। अब हम लोग इसमें कुछ मसाले या फिर बोले कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून जीरा ले लिया है, 2 हरी मिर्च को चॉप करके लिया है। अगर आप तीखा ज्यादा खाना पसंद करते तो ज्यादा डालिए। 1 मीडियम साइज का प्याज कट करके ले लिया है, 1 बीटरूट को ग्रेट किया है, टमाटो ले लिया। आप इसमें चाहे तो अपने इच्छानुसार वेजेस को ऐड कर सकते हैं, कैरेट, शिमला मिर्च, जो भी आपको चाहिए। साथ ही में हमने स्वाद के लिए इसमें करी लीव्स डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो डालिए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी डालिएगा जरूर, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। साथ ही में स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। सभी चीजों को डाल के अच्छी तरीके से एक बार मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से मिलाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो चुका है, हम लोग का बैटर जो है 10 मिनट रेस्ट कर चुका है। देखिए बीटरूट डालने से इसका कलर चेंज हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे इनो 1 टेबल स्पून या 1 सैचेट। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज कीजिए। और बेकिंग पाउडर नहीं है, सिर्फ बेकिंग सोडा है तो उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा जब डालिएगा तब इसमें आपको 2 चम्मच खटास के लिए दही डालना होगा, क्योंकि जो दाल होता है वो भारी होता है। इसे हल्का करने के लिए हमें इसे फॉर्मेट करना पड़ता है, जो कि इनो जल्दी से कर देता है। देखिए इनो मिलाने के बाद कितना ज्यादा लाइट हो गया। तो चलिए अब इसे मिला के अब हम लोग चलते हैं अपने गैस की तरफ। हमने एक कढ़ाई पैन ले लिया है, जो इसमें हल्का सा तेल डाल लेंगे और जो हम लोग का बैटर इसे डाल लेंगे, जितना हमारा तला है उस हिसाब से इसे डाल लेंगे। मैंने 3 करछी डाला है, आप जितने बड़े पैन में बनाइएगा उस हिसाब से डालना पड़ेगा। इसे डाल के 3 से 4 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पे इसे रख देंगे ढककर। ये देखिए नीचे से अच्छे से कुक हो चुका है, देख सकते हैं अब इसका कलर जो है चेंज होने लगा है। ऊपर से हल्का हल्का ऑयल डालेंगे और जिससे कि जब इसे हम पलटी करें तो ये चिपके नहीं। तो चलिए डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इनो डालने से कितना ही अच्छी तरीके से ये जो फूल के ऊपर तक आया है। आप अगर ऐसा रिजल्ट चाहते हैं तो प्लीज बताए हुए तरीके से बनाइए। तेल डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम लोग पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। बीच में इसे हम लोग स्टिक से या फिर चाकू से ही मैं कर दे रही हूँ, बीच बीच में होल कर देंगे, जिससे कि इसके अंदर जो कच्चापन ना रहे, अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। पलटी करके भी 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। दोनों साइड से अच्छा कलर आ चुका है इसका, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही परफेक्ट बना है। बाहर से हल्का क्रिस्पी है, अंदर से इसका जो वेजीज है
का जो फ्लेवर है बहुत ही ज्यादा यमी है। आप एक बार बनाइए, आपको जरूर पसंद आएगा। और कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी तरह से बाकी के नाश्ता भी हम लोग बना के तैयार कर लेते हैं। अगर आप डाइट कॉन्शियस है, डाइट कर रहे हैं, आपको प्रोटीन चाहिए, तो ये नाश्ता जरूर बनाइए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा ये। इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा है, अच्छा है। तो चलिए इसी तरीके से सारे जो हमने नाश्ता बना के तैयार कर लिया है, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर टेक्सचर आया हुआ है। जितने भी हम लोग के नाश्ते बन के तैयार हुए, बहुत ही ज्यादा लजीज, इसका कलर देखिए बहुत ही मस्त बन के तैयार हो चुका है। तो हम लोग का नाश्ता बन चुका है, चलिए इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों इसे मैंने हल्का सा प्लेटिंग किया है अच्छे से, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। इसे आप इमली की चटनी, पुदीने की चटनी के साथ खाइए, धनिया की चटनी के साथ खाइए, बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है। अगर प्रोटीन चाहिए तो चटनी का यूज कम कीजिएगा, ये ऐसे ही बहुत मस्त लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, और कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। ऐसा नाश्ता अगर किसी को मिलेगा तो क्या वो नहीं बोलेगा एक और